फिर स्वागत है वे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारे चैप्टर चल रहा था डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे, उसी कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। कह रहा है इन सब में से कौन कौन कलर्ड होगा एक्वा सॉल्यूशन में। ऑप्शन है टीआई प्लस 3, वी प्लस 3, सीयू प्लस 1, एस सी प्लस 3, एम एन प्लस 2, एफ ई प्लस 3, सीओ प्लस 2। कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात आयन दे रखे हैं, 7 कितने आयन है, 7। कह रहा है इन 7 आयन में से पता करो कौन कलर्ड होगा और कौन कलर लेस होगा। कैसे करें, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जिसमें डी जीरो और डी टेन आ गया वो कलर लेस होगा, और जिसमें डी जीरो और डी टेन नहीं हो, डी वन से लेकर डी नाइन तक कुछ भी लिखा हो वो कलर्ड होगा। देखो लॉजिक बता दिया मैंने, दोबारा समझ लो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर डी जीरो आया या डी टेन आया, डी जीरो और डी टेन हो जाए तो वो चीज होती है कलर लेस, और जिसमें डी वन से डी नाइन तक होगा वो होगा कलर्ड। मन में क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों होता है, याद करो मैंने बताया था डी ऑर्बिटल 5 होती हैं, 3 और 2 के सेट में टूट जाती हैं। एक का नाम था T2G और एक का नाम था EG, याद आया या नहीं, कितने के सेट में टूटती हैं, 3 और 2 में। 3 जो थी उनका नाम था T2G और जो 2 थी वो EG। अगर इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर है तो यहां आएगा, सनलाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन T2G से कहां जाएगा, EG में। सनलाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन T2G से कहां जाएगा, EG में। इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। अगर DD ट्रांजिशन होगा तो वो चीज होती है कलर, और नहीं होगा तो होती है कलर लेस या वाइट इन कलर इन सॉलिड स्टेट। अब जरा देखो DD ट्रांजिशन कब नहीं होता है, मान लो ये T2G भी खाली पड़ी हो और EG भी खाली पड़ी हो, इस बात को बोलते हैं D0 कॉन्फ़िगरेशन। D0 में T2G भी खाली है, EG भी खाली है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां है ही नहीं तो ऊपर जाएंगे कैसे, तो D0 कॉन्फ़िगरेशन में कलरलेस सिचुएशन पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं नीचे से ऊपर जाने के लिए। ठीक, अब एक बच्चा बोलेगा D0 में कलरलेस है, D10 में क्यों है। अगर D10 है तो इसका मतलब है ये सारी ऑर्बिटल भरी हुई थी, तो T2G में भी पूरी भरी होंगी और EG भी सारी भरी होंगी। अब सनलाइट अगर आए तब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकता, क्योंकि अगर यहां से ऊपर गया तो ऊपर ऑर्बिटल खाली नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो अब भी DD ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि T2G भी भरी है, EG भी भरी है। तो हमने सीखा DD ट्रांजिशन 2 कंडीशन में नहीं होता, एक तो D0 में नहीं होता है क्योंकि T2G और EG बिल्कुल खाली होती हैं, और एक D10 में नहीं होता है क्योंकि T2G भी भरी है, EG भी भरी है, तब भी DD ट्रांजिशन नहीं होगा। और जब भी DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो चीज लिक्विड कंडीशन में कलरलेस और सॉलिड कंडीशन में वाइट एंड कलर्ड होगी। तो अब हम इनमें देखेंगे इन आयंस में से कौन से केस D0 और D10 के हैं वो कलरलेस हैं और बाकी सब कलर्ड है। एक एक करके शुरू करते हैं करना, इन्हें करना शुरू करें। देखिए भाई, आप कहोगे सर करें कैसे, बेहद सरल है, आपको मालूम है मैंने आपको सीरीज बताई है क्या, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। अब नंबर देखो तो इसका नंबर है 21, 22, 23, ऐसे ही है 24, 25, ये नंबर है इनके। अब यहां से करते जाओ, पहला केस कौन सा आया, TI प्लस 3, TI का नंबर 22, करो भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। अब TI पे आपने कितना लगाया है बोलो, प्लस 3, ये TI का है,
Pi प्लस 3 करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे और एक 3d से, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d1, क्योंकि d1 आ गया तो ये कैसा होगा, कलर्ड, कैसा होगा, कलर्ड, जो कलर्ड है उसे मैंने ये बना दे रहा हूं, इसका मतलब ये कलर्ड है, तो ये कलर्ड है, इसको बंद कर दिया इसमें, क्योंकि इसमें d1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये ti वाला केस हो गया, ओके रहा। इसके बाद केस बनाओ v का, v का केस बना रहे हैं, v का नंबर कितना है 23, ti का मिटालना हूं, एक एक करके बनाता जाऊंगा, देखते जाना है ना। अब v का चलो, v का नंबर बोलो 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, हो गया 23। अब v का कितना है, प्लस 3, प्लस 3 होने से क्या करोगे बोलो, 4s0 3d2, 4s0 3d2, दो इलेक्ट्रॉन यहां से गए, एक यहां से गया, ये 3d2 है, तो इसमें d 2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी क्या होगा, कलर, तो ये भी कलर होगा। अब अगला चलेंगे, अगला है Cu+1, Cu का नंबर 29, एक्सेप्शनल केस होता है, चलिए भाई 29 एक्सेप्शनल केस है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, अब Cu में आपने क्या लगाया, प्लस 1 लगाओगे तो हो जाएगा 4s0 3d10, d10 है तो ये क्या होगा, कलरलेस, क्या होगा, कलरलेस, तो इस पर क्रॉस का निशान बनाया, क्रॉस का मतलब है कलरलेस और ब्रैकेट का मतलब है कलर, ये भी कलर, ये भी कलर, ये कलरलेस। अब आगे चलेंगे, Sc+3, कौन सा आया, Sc+3, अब Sc का नंबर कितना है देख लो जरा, आंसर 21 है सर, 21 को करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, अब इस पर प्लस 3 है, तो प्लस 3 करने के चक्कर में 4s0 3d0, ये सही है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से गया, d0 है, तो ये भी क्या होगा, कलरलेस, तो इस पर भी क्रॉस, ये दोनों कलर्ड, ये दोनों कलरलेस, 4 हो गए। अब अगला चलो, अगला नंबर कौन आया, अगला आया Mn, Mn का नंबर 25, करिए भाई 25 को, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, अब Mn पे कितना है, प्लस 2 कर दो, प्लस 2 करने पर ही हो गया 4s0 3d5, d5 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये कलर्ड होगा, तो ये कलर्ड है भाई, ये इसमें आ गया। इसके बाद बारी आई किसकी, Fe की, Fe का नंबर कितना है 26, चलिए भाई Fe करिए 26 करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, अब इस पर 4 कितना है, प्लस 3 कर लो बेटा, तो ये हो गया 4s0 3d5, ये भी d5 है ना, d0 और d10 ही क्या होते हैं, कलरलेस, बाकी सब कलर, तो ये भी कलर्ड है। अब लास्ट रह गया आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट का नंबर 27, अभी हटा रहा हूं, अब चलिए 27 नंबर, 27 को वाट करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, अब इस पर कितना कर लो, प्लस 2 करते ही 4s0 3d7, d7 है, साफ नजर आ रहा है d7 है, तो ये भी क्या हो गया, कलर, तो 7 थे, 7 में से 5 लोग तो कलर्ड हैं, 5 आइंस तो कलर्ड हैं और 2 कलरलेस हैं। ये कलरलेस है D10 की वजह से, ये कलरलेस है D0 की वजह से, ये सब कलर्ड है। तो हमने इस क्वेश्चन में साफ देखा बच्चों कि 7 आइन दे रखे थे, 7ों केस में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और उसमें से जो D0 और D10 आएगा
वो कलर लेस होंगे, बाकी सब कलर्ड होंगे। मुझे उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और दिमाग में एकदम अल्ट्रा क्लियर हो गया होगा। फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। We'll be right back.